सामने जो मंदिर दिख रहा होगा आपको छुंगसेंगा मंदिर है, और हम गुल्लू भाई हमारे यहाँ पर काफ़ी थक चुके हैं, कब से तबीयत खराब थी उनकी, तो कल हमने यहाँ पर पूजा किया था संशय कहते से, संशय वाला सबसे बड़ा देवता। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तित्याल जी व्लॉग। सो इट्स निश्चल ओवर हियर। सो आज जो धर्मा एपिसोड है उसका आज फाइनल लास्ट एपिसोड है ये, तो आप सब भी थोड़ा बोर हो गए होंगे कि यार ये बंदा कितना एपिसोड डाल रहा है ये वो। सो आप लोग भी बहुत बोर हो गए होंगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे आप, मुझे पता है मैं खाली मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसा हुआ कि जब हम मैंने जो पिछले एपिसोड में दिखाया था, जो हमारा ये ऊपर पूजा हुआ था, तो उसके बाद हम नीचे आए थे छंगनी से, जो हमारा पूजा हुआ था, जब फिर मैंने नीचे को आते हुए दिखाया था, फिर आपने पिछले मेरी जो एक लास्ट क्लिप देखी थी जिसमें मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी आवाज़ भी बहुत ख़राब हो रही थी, आपने सुना होगा, तो मैं बोल रहा था कि मैं शूट नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी। तो यही हुआ था कि पापा की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब अभी सब ठीक है, लेकिन ऊपर थोड़ा मौसम चेंज की वजह से, ठंडा गर्म की वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो 3-4 दिन शूट नहीं कर पाया। सो मैं शंख की पूजा नहीं दिखा पाया, उसके लिए भी सॉरी बोलूँगा। और जब हम यहाँ से निकले थे दंग से, जब पापा को लेके हम निकले थे, थोड़ा वो बीच में जो शूट हुआ था वो दिखाऊँगा, तो शायद थोड़ा अगर लंबा हो जाए तो उसके लिए सॉरी। पर लेकिन हाँ ये है कि ये लास्ट एपिसोड ही है, इसके बाद आपको नॉर्मल ब्लॉगिंग, लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग देखने को मिलेंगे, और कुछ टाइम बाद मैं मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ इसी चैनल में मैं मोटो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बस आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। तो अब मैं ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, चलता हूँ वीडियो की ओर। तो गाइस आज है हमारा विद्या से पूजा, जो कि होता है बच्चों की, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पर ज़्यादा छोटे भी नहीं, मतलब जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले बच्चों, उनके लिए होती है विद्या से पूजा। तो मतलब मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, तो ज़्यादा नॉलेज है हमारे सिद्धू भाई को, सीनू सिंह तित्याल, तो वो अब आपको आगे बताएंगे। और ये जैसे कि आप देखो, ये हमारी खुशी और ये दीयू बेनी, क्या लेके आए तुम लोग? ये हम पूजा का सामान लेके आए, सुदीप के घर से लेके आए आटा चुन्नी और तेल। तो गाइस यहाँ पर हमारा विद्या से स्टार्ट होगा, अभी विद्या से की पूजा के लिए जा रहे हैं, सामान हमने संख्य से विद्या से की ओर चल रहे, आ जा। हमारे गुड्डू भाई आ रहे पीछे और महेंद्र मामा जी। सामने जो मंदिर दिख रहा होगा आपको छुंगसेंगा मंदिर है, और हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ निकलेंगे, ये पीछे से मोटी आ रही है, सामान दूसरों का थमा के गुल्लू भाई हमारे यहाँ पर काफ़ी थक चुके हैं, कब से तबीयत ख़राब थी उनकी, तो यहाँ पर खुशी यहाँ पर सब में रोज मारी है, गोलू बड़ा बंदा परेशान है, तकलीफ में है, देखो आप। अभी हमने संग से सामान वहाँ ले जाना है विद्या से की, और तो विद्या से हमें ऐसा होता है कि जैसे हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं वैसे ही हुआ, विद्या से मतलब सरस्वती विद्या की देवता की हम पूजा करते हैं। हाँ सभी लोग, मतलब हमने जितने मोटी के दोस्त लोग हैं, गोलू भाई हमारे जो भी हमारे साथ वाले बच्चे, इसमें सिर्फ कुंवारों लोगों को या बच्चों को करना पड़ता है, शादीशुदा लोग खा भी सकते, पता नहीं भी आ सकते, इतना पता नहीं हमें। तो कल हमने यहाँ पर पूजा किया था संशय कहते से, शंख मतलब सबसे बड़ा देवता, शंख मतलब हमारी भाषा में भयंकर को शंख कहते हैं और सह को देवता कहते हैं, यानी शंख से यानी भयंकर वाले देवता। तो अभी हम अंदर जाके जो मैटर्ड है ऊपर, यहाँ से ऊपर की ओर चलम करेंगे, और क्या होता है लकड़ी भी ले जाने पड़ सकते हैं हमें ऊपर, क्योंकि हम लकड़ी हम बहुत दूर से लाए हैं,
और ये अपना शाशिंग जिसे हम भोजपत्र का पेड़ कहते हैं, मंदिर के निकलते हैं। गोलू भाई की एंट्री हमारी, जितना मुँह बना हमारे दोनों बहनें काफ़ी बर्तन बड़े चमकाते हैं। एक पता नहीं है टीवी का मैटर छोड़ के आ रही है, टीवी के ऊपर जो लगाते हैं, खुशी ने भी वही पहना है। अरे सामने गोलू काफ़ी थका हुआ है, अगर लकड़ी गिरेगा पक्का मुझे गाली देगा। मैट पकड़ भाई, तेल तो पकड़। काफी थकानी महसूस होती है, हमें जाना है भी विद्या से वहाँ दिल लगा आपको वहाँ का था। मेरा भाई और आदेश तित्याल जी बन रहे हैं जो काफ़ी अच्छे पेंटर है। देखो दीदा में अपना तो दोस्तों जिस बारे में मैंने आपको बताया था विद्यासागर में ऐसा ऐसा होता करके, विद्यासागर को सरस्वती माता की तरह पूजा जाता है, सरस्वती माता ही होती है विद्यासागर, तो उसको आज पूजने वाले हम। हमारे धामी जी दो पकड़े ले देखे, अंदर ले अंदर। बैठ बिछा दे तो भाई ने सजा दिया बंदर। सीधा ले गया ना, सीधा ये अला नहीं लगाना पड़ता, शाशिंग ले गाना पड़ता है। नहीं पट्टे जो पता है वो बोलना यार, स्वाति यहाँ देख तो यहाँ देख मत, यहाँ मत देख, बोलना पड़ता तब दिखती इधर। ए पू जो कतंग से यार खुशी देखी रे
सो आज का व्लॉग सुबह बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अब हमारा प्लान तो था कि हम सारे पूजाओं के लिए रुकेंगे, पर लेकिन थोड़ी मेरी और पापा और मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही, पापा की थोड़ी ज़्यादा ही, पापा को थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज हम वापस जा रहे हैं। वैसे रोड तो बहुत जगह ख़राब है, तवाघाट सोबला कंजोती रोड पूरी ख़राब है, पूरी गई हुई है, टूट गई है। सो अभी हम हेलीकॉप्टर में जाएंगे, हेली आ रही है तो बात दो किया है हेली के लिए, देखो क्या होता है। तो मैंने थोड़ा उधर शूट नहीं किया तो अब जाते वक्त कर रहा हूँ। सो है छोड़ना आए चाचा लोग हमें, बुम्मा लोग, और छोटा भाई भी हमारे साथ ही आ रहा है आज, कपिल, क्योंकि थोड़ी उसकी भी तबीयत ख़राब है, अगर हुआ तो हम सब चलेंगे आज कालिका, फिर हम सब चलेंगे आज कालिका, फिर जाते हैं सीधा नेक्स्ट डे अल्मोड़ा। सॉरी, तो आज हम जा रहे हैं, कल निकल जाएंगे अल्मोड़ा के लिए। तो अभी तो सब चल ही रहे, दिखाता हूँ आपको, देखो चाचा लोग आगे पहुँच गए काफ़ी, और खैर पीछे मम्मी पापा लोग दिख नहीं रहे, लेकिन आ रहे मम्मी पापा पुम्बा लोग चाचा लोग। तो अब हम चलते हैं फटाफट, सो यार आधे से जा रहा, अच्छा तो नहीं लग रहा, पर लेकिन थोड़ी तबीयत भी ख़राब है तो थोड़ा हेल्थ का भी देखना है, चलते हैं फटाफट। कपिल, हो कपिल आज आप हमारे साथ जा रहे हो, कैसा लग रहा है? झगड़ा पता ही नहीं, जा भी रहा नहीं जा रहा। कपिल कह रहा उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो जा भी रहा नहीं जा रहा है। नवल तो खुश है, वो जा रहा है घर के शायद। नवल तुझे कैसा लग रहा है, तू जा रहा है? वो बोल रहा ठीक ही है। हमारे भाई से पूछते हैं, आदेश यहाँ रुको, अब बताओ हम लोग जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत दुख हो रहा है, हमारे साथ वॉलीबॉल बॉल खेलेगा आदेश को, बहुत दुख हो रहा है। इंद्र से सब दोस्त बने, दोस्ती हुई सबकी, क्या हम पहले से दोस्त नहीं थे? हम भाई लोग हैं, हम भाई लोग हैं। वो उनकी बात कर रहे हैं जो नए लोग मिले दोस्त बने उन सबके। तो चलते यार, नवल बोल रहा हूँ देख देख ये बेटा सामने देखते हैं, उधर दिख रहा है आपको ये हेलीपैड है, और बहुत लोग भी खड़े उधर देखते क्या रहता है सीन। तो भी चलते हैं फिलहाल, तो बॉयस अभी सीन ये है कि टाइम 12 करीब बज गया और अभी तक तो एक भी हेली नहीं आई है, तो काफ़ी लेट हो गया यार, बहुत टाइम हो गया। तो अभी फिलहाल कुछ पता तो चला नहीं हेली का, लेकिन अभी शायद एक हेली तो आ रही है, जरूर सामान ले जाने के लिए आ रही है शायद होगा। तो आ गया सीन चेक करवा, आगे बोल लो
मेरे पास यहीं तक ही पड़ी हुई थी। इसके बाद फिर मेरे फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। तो फिर इसके बाद हमने जब हेली आई, जो मतलब प्राइवेट हेली थी जो सिर्फ लोगों को ले जाने के लिए थी, तो उसमें हमने पापा को भेज दिया था और पापा और मम्मी को भेज दिया था। फिर उसके कुछ टाइम बाद, तो वैसे 4-5 दिन बाद फिर हमारा भी नंबर आ ही गया था। फिर हम लोग भी नीचे आ गए थे, तो मैंने उस टाइम पे भी शूट नहीं किया उतना, क्योंकि थोड़े कुछ पर्सनल रीजन थे, कुछ हो गया था तो मैं बता नहीं सकता। बस तो यही था धर्मा का एपिसोड, लास्ट एपिसोड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और फैमिली वालों के साथ, और ऐसी सपोर्ट दिखाती रहिए। और हाँ गाइस, हैप्पी फ्रेंडशिप डे यार, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, और मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।